वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचओ पाठशाला नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपके हॉस्टल्स हैं, तो बॉयज़ के लिए कितने हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के लिए कितने हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, किन बच्चों को अलॉट होता है और हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है हॉस्टल के लिए अप्लाई करने से लेकर के आपको हॉस्टल अलॉट होने तक का। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस में जिनका एडमिशन हो जाता है वही बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके एफिलिएट कॉलेजेस हैं उनका अपना हॉस्टल नहीं है, जैसे कि सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आईएसबीसी, जगत रन डिग्री कॉलेज, इन सब का हॉस्टल नहीं है और एफिलिएट कॉलेज के बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको बता देते हैं कि कितने हॉस्टल्स हैं। तो देखिए बॉयज़ के लिए टोटल 8 हॉस्टल्स हैं, जिसमें कि आपको कुछ नाम आपने सुना होगा जैसे एएन झा हॉस्टल, डायमंड जुबिली हॉस्टल। ओके, और गर्ल्स के लिए टोटल 6 हॉस्टल्स हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बॉयज़ के लिए टोटल 8 हॉस्टल्स हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 6 हॉस्टल्स। ओके, सबसे पहले आप फ़ी स्ट्रक्चर जान लीजिए कि क्या रहती है, क्योंकि अभी हर जगह फ़ी बढ़ी हुई है हर चीज़ की, तो हॉस्टल की भी फ़ी आपकी पहले से बढ़ी हुई है। देखिए पहले आपकी हॉस्टल की जो फ़ीस थी वो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये लगती थी और सभी हॉस्टल की गर्ल्स बॉयज़ सभी हॉस्टल की सेम है, और आपकी मेस चार्ज महीने की 2200 रुपये लगती थी, और जो मैंने 14-15 हज़ार रुपये बताए वो एक साल का है, मतलब हर हॉस्टल का एक साल का फ़ी 14 से 15 हज़ार तक लगता था। अलग से आपको मेस चार्ज देना होता था हर महीने और वो आपका 2200 रुपये। लेकिन अभी आपकी जो नई फ़ीस है हॉस्टल की वो 45,000 हो गई है एक साल की, मतलब कि जो नए बच्चे जो अभी नए एडमिशन लेंगे बच्चे जिनका CUET के थ्रू एडमिशन हुआ है, वो बच्चे जब एडमिशन लेके हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें जब हॉस्टल अलॉट होगा तो आपको 45,000 रुपये एक साल का हॉस्टल फी देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। देखिए फ़ी के ऊपर अभी कुछ भी कंफर्म बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी अपडेट्स लगातार नए नए आ रहे हैं, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो फ़ी को लेकर के आप बिल्कुल भी श्योर मत रहिए। फ़ी के लिए जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। देखिए फ़ी को लेकर के अभी आपको श्योर नहीं होना है, क्योंकि फ़ी को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फर्दर जो भी अपडेट्स आती हैं फ़ी चेंज हुई है या फिर पुरानी वाली फ़ी लगने वाली है, उसके ऊपर हम आपको नेक्स्ट वीडियो और जो भी अपडेट होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन हॉस्टल के लिए भी मिलता है। तो देखिए 15% सीट जो है एससी के लिए है, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए, 27% सीट जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और 3% सीट जो है पीएससी के लिए है, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उन लोगों के लिए। तो ये रिजर्वेशन है, जब आपको हॉस्टल मिलता है तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, क्योंकि आपको जो है रिजर्वेशन भी मिलती है। मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताया, आपको रिजर्वेशन भी बता दिया, हॉस्टल कितने ये भी बता दिया। अब चलते हैं मेन पॉइंट की प्रोसीजर क्या होती है, हॉस्टल आखिर अलॉट होता कैसे। तो देखिए सबसे पहले आपको हॉस्टल के लिए जो है आपको आपकी कट ऑफ निकलती है, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेते हो स्टूडेंट वेलफेयर से, आप जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म लोगे हॉस्टल। तो देखिए अब मेन प्रोसीजर आपका कि आपको हॉस्टल आखिर अलॉट कैसे होता है, प्रोसीजर क्या रहती है। तो सबसे पहले आपको हॉस्टल के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है, मतलब उसको आप फिल करेंगे अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करना होगा, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये आप साइबर कैफे में जाके निकलवा लीजिए, या फिर आप साइट से खुद डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर आप ऑफिस में डायरेक्ट आकर के एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ज़रूरी, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये हो गया, आपकी फ़ी रिसिप्ट होगी, ठीक है, जो फ़ी रिसिप्ट आपने जब फ़ी सबमिट की होगी, आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया तो आपको फ़ी रिसिप्ट मिलेगी, तो वो आपकी फ़ी रिसिप्ट होगी। आपके यूजी का स्कोर कार्ड होगा, ये पीजी वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो यूजी का स्कोर कार्ड आपका जो है 12th का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी इसलिए है, क्योंकि आपको जब हॉस्टल अलॉट होता है तो उसमें आपका देखा जाता है कि आपका डिस्टेंस क्या है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ही बताया कि आपको, और कास्ट सर्टिफिकेट से आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे आपको लेने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है कि हॉस्टल की लिस्ट, हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट कब निकलेगी। जब भी हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट निकलती है, अब ये लिस्ट में नाम कैसे आता है, किस बेसिस पर बनती है, ये आपका जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जो मार्क्स आए हैं उसका मार्क्स, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो आपका आपने एड्रेस डाला है तो उसकी डिस्टेंस को देख करके, फिर इन दोनों के बेस पर आपका जो है हॉस्टल आपके लिए मतलब हॉस्टल की आपकी कट ऑफ बनती है, मेरिट बनती है, फिर आपको अगर आपका उसके अंदर आप आ रहे हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट होता है। अब आपको जब अपना नाम देखना है तो देखिए कई राउंड में निकलता है। अब देखिए अगर कोई गर्ल्स हैं उन्हें हॉस्टल अलॉट हो गया, सपोज उनका लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, और आपको हॉस्टल अलॉट हुआ है सरोजनी गर्ल्स नायडू हॉस्टल, हॉस्टल का नाम भी होगा उसमें आपका, तो अब आपको सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल के ऑफिस में नीचे आपका ऑफिस मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे या फिर स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर बताना है, वहाँ पर आपको आपके रूम की दी जाएगी, उसके बाद सिंपल आपको अपने रूम की लेनी है, अपने हॉस्टल में जाना है,
रूम में रहना है, दैट्स द ऑल प्रोसेस. ओके ओके, तो ये प्रोसेस थी हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, हॉस्टल कितनी है, ये कितनी है. होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.